हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर आज हम लेकर आए हैं डिजाइनर ब्लाउज। तो ये नेट का कपड़ा है और ये हमारा लाइनिंग है। तो सबसे पहले हमें लाइनिंग पर कट करना है। तो सबसे पहले देखिए, हमें कपड़े को फोर लेयर रखना है, ठीक है। यहाँ से आप अपना मेजरमेंट लेके उसके हिसाब से इसे अलग कर लें। तो एक्स्ट्रा लाइनिंग को हमने कट कर दिया है, ये खुले की साइड है, ठीक है। फोर लेयर में है हमारा कपड़ा और ये दूसरी साइड बंद की है। तो यहाँ से लंबाई नाप लेंगे। तो यहाँ पर हमारे कपड़े की 16 इंच आ रही है और 14 इंच हमें ब्लाउज तैयार रखना है, तो इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा है। तो ऊपर से हमें तीरा लेना है, आपका जो भी तीरा उसका हाफ ले। तो यहाँ पर हमारा 14 इंच तीरा है, तो यहाँ पर हम तो नॉर्मली 7 इंच लेते हैं, लेकिन इसमें हमने 9 इंच लिया है और हाफ इंच लिया है सिलाई के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें हम फ्रिल वाली नेट की बाजू लगाएंगे। तो जितना हमारा मेन तीरा है उस हिसाब से हमें आर्म होल्स लेने। तो यहाँ पर हमें 7 इंच आर्म होल्स लिए हैं, ठीक है। अब इसमें हमें 1.5 इंच पर एक मार्क डालना है और एक मार्क 1 इंच पे डालना है। तो फ्रंट पीस के लिए 1 इंच पर, बैक पीस के लिए 1.5 इंच पर, इस तरीके से गोलाई दे देंगे, ठीक है। ये बैक पीस के लिए हो गया है और हाफ इंच अंदर की तरफ गहराई लेंगे, ये फ्रंट पीस के लिए है। तो यहाँ से अपनी चौड़ाई नापेंगे, जो भी आपके चौड़ाई का 4 भाग है वो लें। यहाँ पर हमने 10 इंच पर मार्क किया है और 1 12 इंच पर, तो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। नीचे से जो भी आपकी कमर है उसका 4th भाग लें। तो यहाँ पर हमारा 1 मार्क लगाएंगे 9 इंच पर और 1 लगाएंगे 11 इंच पर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 इंच लेंगे हम डार्ट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसे इस तरीके से मार्क कर देना है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारी फिटिंग आएगी और ये हमारा डार्ट के लिए है। तो यहाँ से हमें इसे कट कर लेना है। सबसे पहले हम बाहर से कटिंग कर रहे हैं इसकी, तो इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने इसको कट कर लिया है। हमें नेक रखना है अपना ऊपर से 3 इंच और नीचे की तरफ भी हमें 3 इंच ही रखना है, ठीक है। नीचे की तरफ भी हमने 3 इंच लिया है, ऊपर की तरफ भी, और इसमें इस तरीके से गोलाई देंगे, ठीक है। और बैक पीस के लिए हमें रखना है 2 इंच पर, इसमें भी इस तरीके से गोलाई कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बैक पीस के लिए कट कर लेना है। यहाँ पर आर्म हाउस की तरफ से 1/2 इंच पे मार्क लगाएंगे और नेक की तरफ मिलाएंगे। इसी तरीके से हमें इसे कट करना है। तो अब बैक और फ्रंट पीस को हमें अलग कर लेना है। तो फ्रंट पीस की कटिंग करनी है अब हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ से नेक कट कर लेंगे और जो हमने 1/2 इंच की गहराई दी है उसको भी कट करना है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर हमें प्रिंसेस कट की शेप देनी है। तो जो हमारी मेन डार्ट होती है वो हमारी 10 इंच पे होती है, तो 1 मार्क 10 इंच पे लगाएंगे इस तरीके से सीधा, और इसमें प्रिंसेस की शेप डाल लेंगे इस तरीके से, ठीक है। 1 इंच हमें इधर से लेना है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ से हमें 1/2 इंच लेना है, इस तरीके से मिला देंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हमने इसे मार्क डाल लिया है और इसी तरीके से कट करना है। अगर आप स्लीवलेस ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें हमें नॉर्मली तीरा को, जो भी आपका तीरा है उससे 2 इंच से 3 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है, इस चीज़ का ध्यान रहे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसकी हमने कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर इसकी इस तरीके से सिलाई आएगी। तो यहाँ पर देखिए, आप नॉर्मली जितना नेक रखते हैं अपना उतने पर एक मार्क डालें। तो हम यहाँ पर 7 इंच पे एक मार्क लगा रहे हैं और ये मार्क लगा रहे हैं हम 2 इंच का, ठीक है, अंदर की तरफ 2 इंच ले रहे हैं इस तरीके से, और ऊपर की तरफ हमें 1.5 इंच लेना है। 1.5 में आप 2 भी ले सकते हैं।
और इसको इस तरीके से मिलाना है। तो ऊपर से तो हमने इसे तिरछा किया है और नीचे से बिल्कुल सीधा रखा है। इसी तरीके से इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने कट कर लिया है, इस तरीके से आएगा ये खुल के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने बैक पीस लिया है और इसे ऊपर से इंच टेप को रखेंगे और नीचे जितना आप बैक नेक पहनना चाहें उस हिसाब से रखें। हमने 11 इंच पर मार्क किया है और ऊपर से 1 इंच छोड़ेंगे यहाँ पर और एक मार्क और करेंगे और अंदर की तरफ हम लेंगे यहाँ पर 2 इंच। तो बी सेंटर में लिया है, इस तरीके से इसे इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने बैक पीस के लिए शेप डाली है। इसी तरीके से इसे हमें कट करना है जैसे हमने शेप डाली है। तो यहाँ पर देखिए इसकी कटिंग भी हमने कर ली है और ये बीच सेंटर से हमें कट कर लेना है क्योंकि इसमें बैक हुक आएंगे। तो यहाँ पर हमने पूरे को दोनों पीस को अलग अलग कर लिया है इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसको हमने नेट के कपड़े के ऊपर रखा है, पूरे पीसों को रख लेना है और इसी तरीके से पिनअप करते हुए पूरे को कट कर लेना है। जितने पीस के बैक और फ्रंट के पीस हैं सबको हमें इसी तरीके से रख के कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने पूरे पीसों को कट कर लिया है और इसमें सिलाई लगानी है। तो इसमें भी हमें सिलाई लगा लेनी है। पूरा हमारा ब्लाउज कटिंग हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए हमने नेट लिया है बाजू के लिए, तो इस तरीके से दोनों बाजू के लिए लिया है इसको, ठीक है। इसकी जो यहाँ पर चौड़ाई है वो 6 इंच है, 1 इंच हमारी सिलाई में चली जाएगी तो 5 इंच की रह जाएगी। और एक पट्टी सीधी कट की है जो हमें नेक के ऊपर फ्रिल बना के लगानी है। तो यहाँ पर हमने ये 4 इंच की चौड़ी ली है, ठीक है। और इनकी जो लंबाई है वो आप अपने हिसाब से रखें। इसमें हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इसमें इसी तरीके से जैसे ये शेप डाली है हमने उसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसमें पूरे में सिलाई लगा ली है। अब इसके बीच के नेट के कपड़े को भी कट करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से कट लगा के कॉर्नरों में अच्छे से कट लगा लेंगे, सिलाई ना कटने पाए, ताकि ये अच्छे से पलट के सीधा हो सके। तो यहाँ पर हमने कट लगा लिए हैं और इसे पलट के सीधा करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने पलट लिया है, इस तरीके से इसकी शेप आई। इस पर एक दबाने वाली सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें सिलाई लगा ली है। अब ये जो हमारे पीस है प्रिंसेस कट वाला, इसको भी हमें इसी में जॉइंट करना है। तो उल्टे सीधे का ध्यान रखें और इसको इसके ऊपर रखते हुए अच्छे से सिलाई लगानी है। किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है, ठीक है। और जिस तरीके से हम ये वाला पीस जॉइंट कर रहे हैं उसी तरीके से हमें दूसरे वाले पीस को भी जॉइंट करना है। तो इसके ऊपर हमें दबाने वाली सिलाई लगा लेनी है।
तो यहाँ पर देखिए इसको भी हमने इसी तरीके से सिल लिया है। तो फ्रंट पीस हमारा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए प्लेट लगा लेंगे साइड की। तो यहाँ पर बैक पीस में भी हमें सिलाई लगा लेनी है और फिर इसे पलट के सीधा करना है। तो यहाँ पर पूरे में इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो इसमें सिलाई लगा ली है, छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और इसे पलट के सीधा करके फिर सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हमें दूसरे वाले पीस को भी तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें सिलाई लगा ली है। तो यहाँ पर देखिए दोनों पीस को हमने कंप्लीट कर लिया है और इसमें हमें आई हुक वाली पट्टियाँ लगानी है। तो इस तरीके से रख के सिलाई लगानी है। तो जो हमारी एक पट्टी होती है वो बड़वा पट्टी होती है और एक अंदर की तरफ फोल्ड होती है। तो ये जो बड़वा पट्टी होती है पहले वो वाली लगा रहे हैं। अब इसको इस तरीके से पलट के इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जो इसकी सिलाई है इसको अंदर की तरफ लेंगे इस तरीके से। डबल फोल्ड में है और इसे सिलना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें हमने सिलाई लगा ली है। ये तो बाहर की तरफ हमने बड़वा पट्टी लगाई है। दूसरी पट्टी को हमें कपड़े की सीधी साइड से रखना है और अंदर की तरफ इस तरीके से सिलाई लगा के पूरे को अंदर की तरफ ऐसे पलट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों पट्टी को हमने कंप्लीट कर लिया। तो बैक डार्ट जो होती है वो लगाएंगे। 4 इंच पे मार्क किया है और 4 इंच ही हमें ऊपर की तरफ लेनी है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें इस पर डार्ट लगानी है दोनों तरफ बैक पीस में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों तरफ ये डार्ट लगा ली है। अब इसे हमें फ्रंट पीस में जॉइंट करना है। तो ये सीधा रखा है फ्रंट पीस को, इसके ऊपर हमें बैक पीस को उल्टा रखना है और तीरा को जॉइंट करना है। तो इस तरीके से दोनों पीस को रख के दोनों तरफ से जॉइंट कर लेना है। तीरा को जॉइंट कर लिया। अब जो हमने नेक के लिए पट्टी ली थी फ्रिल के लिए, तो यहाँ पर किनारी आई हुई है, हमने अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड नहीं किया है, इसमें फ्रिल बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें प्लेटें लगानी है। तो यहाँ पर प्लेट हम 1/2 इंच चौड़ी लगा रहे हैं। तो ना ही तो इसमें ज़्यादा चौड़ी रखनी है ना ही ज़्यादा कम रखनी है। तो इसी तरीके से पूरी पट्टी की प्लेटें लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए पूरे में ये हमने प्लेटें लगा ली हैं। अब इसे हमें नेक के ऊपर जॉइंट करना है। तो यहाँ से इस तरीके से सीधी साइड से रखेंगे और इसे ज़्यादा खींचना नहीं है। पूरे नेक के ऊपर राउंडली इसे सिलाई लगा लेंगे। तो एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे और इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और पूरे में यहाँ पर देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से देखिए इसे फोल्ड जो हमने कपड़ा किया है उसके ऊपर भी सिलाई लगा लेनी है और इसके ऊपर हमें दबाने वाली सिलाई लगानी है इस तरीके से इसको सीधा करते हुए। ठीक है, तो
तो इसके ऊपर पूरे में दबाने वाली सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरे में हमने दबाने वाली सिलाई लगा ली है। अब इसमें हमें बाजू ज्वाइंट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपने नेट लिया है उसके बीच सेंटर में एक कट लगा लें, ताकि हमें पता रहे कि इतना कपड़ा हमें इधर की साइड लेना है और इतना इधर की साइड। तो इसको बीच सेंटर से रखना है, जहाँ पर हमारा तीरा जॉइंट है वहाँ से जो हमने कट लगाया है वहाँ से रखना है, और इसमें प्लेटें लगानी है, ठीक है। तो इसकी किनारी आई हुई है, हमने इसे फोल्ड नहीं किया है। अगर आपके पास किनारी नहीं आई है तो उसे हल्का सा फोल्ड कर लें। तो यहाँ पर देखिए प्लेटों का डायरेक्शन हमने अपनी तरफ किया है, और 1/2 इंच चौड़ी ही प्लेटें लगा रहे हैं। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो इसमें चौड़ी चौड़ी प्लेटें लगाएं, और इस तरीके से हमें ये प्लेटें लगा लेनी है। और जिस तरीके से इधर की साइड हम बाजू लगा रहे हैं उसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी लगानी है। तो देखिए यहाँ पर इधर की साइड से हमने इसे लगा लिया है। अब इधर की साइड लगाना है, इस तरीके से इसे घुमा के रखेंगे, और इधर से भी हमें प्लेटों का डायरेक्शन अपनी तरफ ही करना है। तो इधर से भी इसको लगा के कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इधर से भी हमने बाजू को जॉइंट कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए इसको लगा लिया है। और इसको देखिए दबाने वाली सिलाई लगानी है इस तरीके से करके, ठीक है। नेट को अंदर की तरफ करते हुए जो इसकी सिलाई का है, तो इसमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए इसमें हमने सिलाई लगा ली है। सेम तरीके से दूसरी वाली बाजू को भी हमने लगा लिया है। अब इसकी फिटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए हमने अभी सीधी साइड से ही सिलाई लगानी है, और ज़्यादा कपड़ा नहीं दबाना है। थोड़ा थोड़ा कपड़ा दबाते हुए इसमें पूरे में दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ से कपड़े को इकसार कर लेना है इस तरीके से, ठीक है, ताकि जब हम इसमें पलट के सिलाई लगाएं तो ये बाहर की तरफ ना दिखे। तो इधर से भी ऐसे ही हमने सिलाई लगा ली है। अब इसे हमें उल्टा रखना है और इसकी फिटिंग लगानी है। तो पहले एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसमें दबाने के लिए सिलाई लगा लेंगे पूरे में। तो यहाँ पर देखिए हमने सिलाई लगा ली है, इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर देखिए आपकी जो भी फिटिंग हो, बीच सेंटर में एक मार्क लगा लें, उससे नाप के यहाँ पर अपनी फिटिंग लगानी है। ऐसे ही इस तरीके से ही हमें इधर से मार्क डालना है अपनी फिटिंग का, ठीक है। और फिर जो हम मार्क लगा रहे हैं इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। नीचे आप चाहें तो यहाँ पर पट्टी लगा के इसे फोल्ड करें, और हमारे पास ये एक्स्ट्रा कपड़ा था तो इसे ही हमें डबल फोल्ड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा ब्लाउज बन के कम्प्लीट है। ये किस तरीके से बनाया है हमने आपको बता दिया है। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।